संडे के दिन ही मीटिंग। एमएलए साहब, अभी जो एक केस सामने आया है जिसमें एसआई सतवीर जी जो है जो आरोपी है उनके ऊपर जो है जबरन धमकाया जा रहा है उनके घर पे, उसके बारे में क्या कहना है? ये जिस तरीके से ये केस मेरे पास 3 दिन पहले भी जब इनको थाने में रखा था उस दौरान भी मेरे पास ये केस आया था, और उस दौरान भी मैंने जब एसएसओ साहब से और वहाँ के चौकी इंचार्ज से बात करी, उस दौरान भी जब ये केस आया कि जब जो महिला वहाँ पे किराए से रह रही है और जो इसमें एक्यूज्ड है उनका क्लेम था कि वो जबरदस्ती वहाँ पे रह रही है, उसके बाद जो भी इसमें हुआ कि उनने सामान वगैरह बाहर फेंका, जो भी स्थिति है, लेकिन उसके बाद ये इनका इन दोनों की आपस में दोनों पक्षों की बात होकर केस सेटल डाउन हो गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब इसमें आईओ जो है वो ये एफआईआर में ऑलरेडी आईओ जगजीवन जी को यहाँ पे आईओ बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे सतवीर जी लगातार उस पार्टी को लगातार उनके परसों भी उनको कल भी उनको उनके पूरे घर वालों को पूरे दिन थाने में रखा है, और जब इसमें सतवीर जी आयो नहीं है तो मुझे पता नहीं कि तो वो इसमें अनायास इंटरफेरेंस कर रहे हैं इस वाले इश्यू में, और मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस यहाँ पे इस पर सारे सिनेरियो में रिएक्ट कर रही है ये भी एक सोचने वाली बात है। इस पर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि इस तरीके क्यों पर्सनली इस इशू को कैरी करके और क्यों सतवीर जी उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं।